ओके क्लास नेक्स्ट जो हम थ्योरम करने लगे हैं वो पार्टीशन से रिलेटेड है। इसमें एक थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इफ़ फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, किसी भी एक एप्सिलॉन स्मॉल नंबर की बात हो रही है, एंड फॉर सम पार्टीशन पी ऑफ ए बी। अब जाहिर बात है इसमें तो पार्टीशन की बात होनी है, इंटरवल ए बी ले लिया। अब ये आप नोट कीजिएगा, हमने जितने भी इंटरवल लिए वो क्लोज इंटरवल की बात हो रही है, हमने इसमें से ही पार्टीशन लिया है। तो क्या है, द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी की बात हो रही है, यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। देन दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर एवरी रिफाइनमेंट ऑफ पी, कि ये जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड करती है एवरी रिफाइनमेंट। अब देखिए रिफाइनमेंट का यहाँ पे दोबारा से कॉन्सेप्ट आया है, रिफाइनमेंट का क्या मतलब कि एवरी रिफाइनमेंट ऑफ पी, सपोज हम अगर पी वन हम उसकी रिफाइनमेंट लेते हैं तो ये पी है वो इसका ऐसे सबसेट हो जाएगा, सुपर सबसेट हो जाएगा, तो मीन्स ये पी वन जो है वो इसकी रिफाइनमेंट है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कैसे लिए, हमने एक लेट किया एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो है, एंड पी जो है वो पार्टीशन है ए बी की सच डैट, ये हम सेटिस्फाई करते हैं जो हमें गिवन है, एल पी एफ अल्फा माइनस यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। हमने क्या लेट किया कि पी वन जो है वो रिफाइनमेंट है पी की, फिर हमने लेट कर लिया, पहले हमने पी पार्टीशन लेट की, अब हमने पी वन पार्टीशन सपोज की जो कि रिफाइनमेंट है पी की, देन तो क्या हमारे पास सेटिस्फाई होगी कंडीशन, इसको ज़रा ध्यान से देखें, आएगी एल पी एफ अल्फा, ठीक है, क्योंकि ये केस है पी द सबसेट ऑफ पी वन है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया एल पी एफ अल्फा है इज़ लेस एंड इक्वल टू, ये किसके लेस होगा, ये हमारे पास था यू पी एफ अल्फा, ठीक है, ये लेस होगा एल, हमने पार्टीशन ले ली पी वन पी वन एफ अल्फा, और ये लेस है यू पी वन एफ अल्फा, और ये लेस एंड इक्वल टू है यू पी एफ अल्फा, ठीक है। अभी पी वन जो है इसकी रिफाइनमेंट है, इसलिए हमने ये क्या ले लिया है, पी वन ले लिया है, और ये इससे लेस है लेकिन इससे क्या है, ग्रेटर है। तो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ पे क्या आया, हमने ये देखिए ये वाला जो ये एल पी है इसको मैं इस साइड मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इसको मैं इस साइड लिया तो ये नेगेटिव हो गया, ये यू पी एफ अल्फा ऑलरेडी यहाँ पे था, इसको जब मैं इस इनइक्वालिटी के यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लेकर आया तो ये माइनस एल पी एफ अल्फा हो गया, और इस एल को भी मैंने इस तरफ ले जाके माइनस कर दिया, तो ये यू पी वन एफ अल्फा माइनस, जब इसको यहाँ शिफ्ट किया माइनस एल पी वन एफ अल्फा आ गया, लेस एंड इक्वल टू यू पी एफ अल्फा इसी तरह आ गया, माइनस ये वाला जब यहाँ शिफ्ट किया एल पी एफ अल्फा आ गया। अब देखिए ये हमारे पास गिवन था यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा, ये लेस देन था एप्सिलॉन, तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, तो ये मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि देन दिस इनइक्वालिटी होल्ड फॉर एवरी रिफाइनमेंट ऑफ पी। हमने उन्होंने कहा कि हम जो भी रिफाइनमेंट लेंगे पी की वो उसके लिए होल्ड करेगा, तो हमने पी वन सपोज कर ली इसकी पार्टीशन, कोई भी पार्टीशन हमने ले सकते हैं ना, हमने कोई भी पार्टीशन लेके दी तो वो रिजल्ट जो है ये सेटिस्फाई कर रहा। अब नंबर बी जो है इसका रिजल्ट है, केस है लेट पी इज इक्वल टू दिस वन एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन, ठीक है, हमने पार्टीशन ले लिया पी या पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, इफ़ यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, देन क्या होगा, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और पी ए पार्टीशन है, देन समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन एफ ऑफ डेल्टा आई एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई, ठीक है, इसका मॉडुलस लिया डेल्टा ऑफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, हमने ये सेटिस्फाई करना है, फॉर ऑल एस आई और टी आई क्या है, यहाँ पे हैं एफ ऑफ एस आई और एफ ऑफ टी आई, अब ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या है, ये बिलोंग करती हैं एक्स आई माइनस और एक्स आई, मीन्स ये इस इंटरवल से बिलोंग करती हैं, ये दो एलिमेंट्स हैं ये इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, और ये इंटरवल ये पार्टीशन की बात हो रही है। ओके हमने यहाँ से स्टार्ट किया लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो एंड पी इक्वल्स टू एक्स ऑन एक्स एन सो ऑन एक्स एन बी आर पार्टीशन ऑफ ए बी सच डैट, ये गिवन था यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर वन का नेम दे दिया। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या लेट क्या किया है, जो एस आई है और टी आई है क्या बिलोंग करते हैं एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई, ये इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये तो वैसे भी गिवन है ये इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं, तो हमने क्या किया, देन ये
जो एम आई है स्मॉल एम आई, ठीक है, यही होता है कि स्मॉल एम आई होता है लेस इक्वल टू द कैपिटल एम आई, ठीक है। तो हमने कहा क्या कहा कि स्मॉल एम आई लेस इक्वल टू एफ ऑफ एस आई, वो भी फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या है, मीन्स के ये फंक्शन बाउंड्री फंक्शन की बात हो रही है, ये इसका क्या है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड की बात हो रही है, और सेम वही केस होगा एफ ऑफ टी वन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड की बात हो रही है, ठीक है। एम आई इज लेस एन इक्वल टू कैपिटल एम आई, ये सेंटर में ये आ गया फंक्शन आ गया। तो हमने क्या किया, ये दो केस आ गए, तो एफ ऑफ टी आई में से एफ ऑफ एस आई मैंने ये माइनस कर दिया। अगर मैंने ये माइनस किया, ये दोनों सेम है, तो क्या होगा, इसमें से मैंने ये माइनस हो गया कैपिटल एम आई माइनस एम आई, ठीक है। ये मैंने चीज़ माइनस की, तो ये भी एम आई क्या हो गया, माइनस हो गया एम आई से, स्मॉल एम आई से। अब मैंने यहाँ पे दोनों तरफ क्या किया, समेशन आई प्लस टू वन टू एन और डेल्टा ऑफ एल्फा आई दोनों तरफ मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने यहाँ भी समेशन अप्लाई किया और यहाँ पे भी समेशन अप्लाई किया लेस एंड इक्वल टू के दोनों साइड, यहाँ पे मैंने डेल्टा ऑफ एल्फा आई से मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरफ भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो केस है मेरे पास, ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ, ये देखो ये चीज़ थी ना, तो मैंने क्या किया, दोनों का समेशन अलग-अलग कर लिया, मीन्स के दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म मेरे पास आ गई। अब देखिए आप ये पढ़ चुके हैं, ये जो टर्म है कैपिटल एम आई किसकी इक्वल होती है, यू पी एफ एल्फ़ा, और ये जो टर्म है ये किसकी इक्वल होती है, एल पी एफ एल्फ़ा। ये देखिए यहाँ पढ़ चुके हैं, ये जो स्मॉल एम है ये समेशन है किसकी इक्वल, एल पी एफ एल्फा, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल, इसको हम कहते हैं अपर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल। तो मैंने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे इसकी जगह मैंने ये अपर लिख दिया, इसकी जगह मैंने लोअर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये वही चीज़ आ गई, और ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में डिफाइन की, ये चीज़ क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये जो हमने प्रूफ बना था जो स्टेटमेंट में दी गई थी, ये हमारा क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। और जो नंबर सी है उसमें कहा गया है इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा, ठीक है, रियल नंबर की बात हो रही है, अल्फा की बात हो रही है, एंड अच्छा दो केसेस आ गए, एक तो एफ फंक्शन जो है बिलोंग करता है आर से, आर अल्फा रियल नंबर से, एंड इफ फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी, पार्टीशन पी एग्जिस्ट करती है जो एक्स नॉट से एक्स एन तक है, सच डैट यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड लेस देन एप्सिलॉन, देन तो क्या है, समेशन आई प्लस टू वन से एन एफ ऑफ टी आई डेल्टा ऑफ एल्फा आई माइनस इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ डी अल्फा मॉडुलस माइनस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये केस हमने सेटिस्फाई करना है, इससे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ये जो है एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा है, देखिए एफ बिलोंग टू आर अल्फा है, इसका क्या मतलब है, ये जो फंक्शन है वो रिमान स्टेजस इंटीग्रेबल है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ये करवाया था, मैंने आपको शायद केसेस बताए थे कि अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि जो लोअर सम है इंटेग्रल और जो अपर रिमान स्टेजस इंटेग्रल है ये दोनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, रिमान स्टेजस इंटीग्रेबल होता है। ये मैंने आपको करवाया था, अगर आपको नहीं आता तो दोबारा से मेरा पिछले लेक्चर्स देख लें, इसमें क्या था कि अगर ये दोनों कंडीशंस इक्वल आ जाए दूसरे के तो फंक्शन क्या होता है, रिमान स्टेजस इंटीग्रेबल होता है। तो देखें वही केस आया है, क्या है, फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, क्या मतलब है इसका, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि जो लोअर बाउंड है रॉयल इंटेग्रल है वो किसके, लोअर रिमान स्टेजस इंटेग्रल किसके इक्वल है, अपर रिमान स्टेजस इंटेग्रल की, ठीक है, ये सेटिस्फाई होगा। फिर हमने क्या करना है, अब लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड लेट पी इज इक्वल टू दिस वी पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी सच डैट यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, एंड वी नो डैट एल पी एफ अल्फा। अब ये केस देखें, ये आपने जो पॉइंट है ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एल पी एफ अल्फा है, ठीक है, लोअर मान स्टेजस इंटेग्रल है इज लेस एन इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फा इज लेस एन इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फा इज लेस एन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा, ठीक है, ये आपने सीक्वेंस याद कर लेना है। अब देखिए ये दोनों क्या, इसी जगह हम क्या कर सकते हैं, किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पे जो ए के नीचे डैश और यहाँ पे बी के ऊपर, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फा, ये चीज़ इसके इक्वल आ सकती है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं एफ एल पी एफ अल्फा इज लेस एन इक्वल टू ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस एन इक्वल टू यू पी एफ एफ अल्फा, ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर वन का नेम दे दिया। अब क्या हुआ, अब ये जो टी आई है, क्योंकि यहाँ पे टी आई का जिक्र था, इसमें टी आई, क्योंकि टी आई क्या है, ये बिलोंग करता है इंटरवल एक्स आई माइनस वन और एक्स आई से,
ठीक है। अब यही वही सीक्वेंस जो हमने लास्ट अभी पार्ट में किया है, एम आई स्मॉल एम आई इज लेस इक्वल टू एफ ऑफ टी आई इज लेस इक्वल टू कैपिटल एम ऑफ टी, तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, बाउंडेड फंक्शन की बात भी हो रही है। अब ये इस ये सीक्वेंस आ गया, इसे मैंने समेशन और जो डेल्टा एफ अल्फा ये मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये टर्म बन गई, ठीक है। तो ये वही चीज़, ये जो टर्म है ये किसकी इक्वल होती है, लोअर मास रिलेशन डायग्राम एल पी एफ अल्फा के इक्वल होती है। ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, और ये चीज़ किसकी इक्वल होती है, यू पी एफ अल्फा के इक्वल होती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था, हमने ये दो इक्वेशन ले ली थी पापिट का मोटर्स लेके, इसमें से इसको मैंने क्या किया था, माइनस किया था, और ये वाली टर्म्स भी क्या हो गई थी, माइनस हो गई थी। तो सेम यहाँ पे वही किया है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन का नेम दिया था और इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू का नेम दिया है। तो देखिए, इसकी जो ये वाली साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, ये दोनों इक्वल है, तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको मैंने माइनस किया। तो देखिए, समेशन आई इक्वल्स टू वन से एन एफ ऑफ टी आई डेल्टा ऑफ अल्फा आई, इस तरफ आ गया माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी अल्फा, ये चीज़ आ गई, लेस एन इक्वल टू क्या आ गया, यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा, और ये चीज़ किससे लेस है, लेस एन एप्सिलॉन। देखिए, फिर ये चीज़ ऑटोमेटिकली क्या होगी, लेस एन एप्सिलॉन, और हमने यही चीज़ जो है ये प्रूव कर दी थी। ओके, नेक्स्ट एक थ्योरम है, लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी एंड अल्फा इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी, तो क्या होगा, जो फंक्शन है वो बिलोंग करेगा अल्फा से माइनस डिग्री बिलो। तो यहाँ पे कहा गया फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, सिंस, तो उसमें देखिएगा, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी एंड एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए बी, ठीक है, सो एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए बी, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या होगा, फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा इंटरवल ए बी में, ठीक है। लेट हमने क्या किया, एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ पे हमने क्या करना है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की हमने यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करने लगे, ये देखिएगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होगा, बी टू डेट ईटा देयर एग्जिस्ट रियल नंबर टू सच डेट, अब ईटा की मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि जो ईटा इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर अल्फा बी माइनस अल्फा है, ये मैंने सपोज कर लेना सच डेट, ईटा की वैल्यू ये है, ठीक है। सिंस एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी एंड फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच डेट एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ टी इज लेस देन ईटा व्हेन एवर एस माइनस टी इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एस एंड टी बिलोंग्स टू, अभी मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन अप्लाई किया ईटा की फॉर्म, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, चूज अ पार्टीशन, मैंने पार्टीशन ली पी टू एक्स नोट एक्सन इंटरवल ए बी ले लिया सच डेट, यहाँ पे डेल्टा ऑफ एक्स आई क्या है, एक्स आई माइनस वन, ठीक है, क्या है, इज लेस देन डेल्टा है। यहाँ पे क्या है, सिंस एफ इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है इंटरवल ए बी जो कि गिवन है, तो क्या होगा, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस किस में होगा, इस इंटरवल में भी, एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई, इस इंटरवल में भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। एफ अटेन इट्स बाउंड्स, जो एफ प्लस एफ अटेन इट्स बाउंड सच डेट देयर एग्जिस्ट वाई आई वन एंड वाई आई टू इन एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई, देखिए इसका मतलब है कि वो अपना जो है लोअर बाउंड और ग्रेटर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट करता है ये इंटरवल में, तो क्या होगा, जो हमारे पास ये हमारा लोअर बाउंड और जो कैपिटल में क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, ठीक है। तो स्मॉल एम आई क्या आया एंड एम आई क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ इंटरवल एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई, ठीक है। तो ये हमारे बाउंड्स आ गए, लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड आ गए। हमने क्या किया, वाई आई जो है इनका मैंने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया, वाई आई ऑफ टू माइनस वाई आई वन इज लेस देन डेल्टा, जैसे क्या लें, ये मैंने डेफिनेशन अप्लाई की है, एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ टी थे इज लेस देन ईटा था, तो एस विदाउट फंक्शन एस माइनस टी इज लेस देन क्या था, डेल्टा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ वाई आई वन है और एफ ऑफ वाई आई टू है, तो मैंने क्या किया, वाई आई वन और वाई आई टू इनका डिफरेंस क्या हो गया, लेस एन इक्वल टू डेल्टा हो गया, जैसे ये था, मैंने यही डेफिनेशन अप्लाई की है यहाँ पे, ये क्या हो गया, लेस देन डेल्टा। तो जब मैंने इसे फंक्शन अप्लाई किया, देखिए बिल्कुल आपने इसको अप्लाई करना है, ये जो सिंपल फंक्शन थे वो लेस देन सिंपल एफ के बगैर, आपको एक हिंट जैसे कह रहे रट्टा लगवा रहे होते हैं, एफ के बगैर, फंक्शन के बगैर, जब मैंने सिर्फ इसके जो अंदर वाले इंटरवल्स देखे हैं, वेरिएबल्स देखे हैं, एस माइनस टी वो लेस देन डेल्टा था, लेकिन जैसे ही मैंने इन वेरिएबल्स पे फंक्शन अप्लाई किया वो लेस देन हो गया ईटा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे क्या है, वाई आई वन और वाई आई टू है, जब मैंने दोनों का डिफरेंस लिया ये क्या थे, लेस देन डेल्टा, और जैसे ही मैंने इन पे फंक्शन अप्लाई किया तो ये क्या आ गया,
लेस देन ईटा आ गया। ओके और ये किसकी इक्वल था, कैपिटल एम आई, और ये किसकी इक्वल है, स्मॉल एम आई, ये क्या आ गया, लेस देन ईटा। अब मैंने क्या कहते हैं समेशन अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, डेल्टा ऑफ अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनको जो मैंने सेपरेट किया तो ये जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, ये मेरे पास आ गया यूपीएफ अल्फा और ये एलपीएफ अल्फा आ गया, और ईटा इसको मैंने क्या कह सकती हूँ, डेल्टा ऑफ अल्फा आई किसकी इक्वल है, अल्फा बी माइनस अल्फा ए, ठीक है, ये इसकी इक्वल आ गया। और ये किसकी इक्वल है, जैसे ये देखिए मैंने ये फंक्शन स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, ये फंक्शन ऐसे था, ये देखिए ये फंक्शन था मैंने जो एक्सपोज किया था, मैंने क्या किया इसको, जो मैं यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए आ गया, और ये क्या हो गया, लेस देन हो गया एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ईटा था, डेल्टा अल्फ़ा किसके इक्वल आया, अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए, तो ये सारी चीज़ जो है ये क्या हो गई, लेस देन एप्सिलॉन, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो इसका क्या मतलब है, फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है,